मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा है कि 25 वर्षों के शासनकाल में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा के विषय में, रोजगार देने में, शिक्षा व्यवस्था में और उड़ीसा के सांस्कृतिक गौरव की रक्षा करने में भारतीय बीजू जनता दल पूरे तरीके से उनकी सरकार विफल रही है। उड़ीसा की जनता ये प्रश्न कर रही है कि अगर बिजली तमिलनाडु स्टेट को उड़ीसा से सस्ती मिल सकती है तो उड़ीसा के कंज्यूमर को महंगी क्यों मिल रही है। उड़ीसा की जनता ये प्रश्न कर रही है कि इतने वर्षों के बाद भी टीचर्स की पोस्ट अन्य राज्यों की तुलना में उड़ीसा में क्यों ज़्यादा खाली है। उड़ीसा की जनता ये प्रश्न कर रही है कि आखिर क्या कारण है कि कालिया जैसी योजना में बेनिफिशियरी की संख्या लगातार कम हो रही है। उड़ीसा की जनता ये प्रश्न कर रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में इतना घपला क्यों है। उड़ीसा की जनता ये प्रश्न कर रही है कि 2019 के डाटा को अगर देखा जाए तो जल जीवन मिशन में उपलब्धि केवल 3.51% ही क्यों है। उड़ीसा की जनता ये प्रश्न कर रही है कि बीजू जनता दल की जो लोग थे, जो वादा करके आए थे कि हर ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज होगा, वो कोल्ड स्टोरेज क्यों नहीं हुआ। आज भी उड़ीसा में बीजू जनता दल की सरकार पे ये पूरी तरीके से प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि शाह कमीशन की रिपोर्ट के बाद भी उड़ीसा में इल्लीगल माइनिंग बंद नहीं हुई है। इल्लीगल माइनिंग का काला पैसा कहाँ जा रहा है, इनको क्यों उड़ीसा के बीजू जनता दल सरकार द्वारा प्रश्रय दिया जा रहा है। ये सारे प्रश्न हम लोगों ने अपनी चार्जशीट में उठाए हैं।